वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज हम लोग सोचे हैं कि आज हम लोग हिंदी में व्लॉग करेंगे, क्योंकि हम लोग को बहुत सारा दोस्त है एंड बहुत सारा सब्सक्राइबर्स भी है, वो लोगों को बंगाली समझ में नहीं आते, तो उन लोगों ने हम लोग को रिक्वेस्ट किया है कि हिंदी में व्लॉग बनाने के लिए। तो आज हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हिंदी में ही बोले। ऐसा नहीं कि हम लोग कभी बंगाली में और नहीं बनाएंगे, डेफिनेटली बनाएंगे, लेकिन अगर हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं तो उस ब्लॉग हम लोग हिंदी में ही करेंगे। तो ऑलमोस्ट दो हफ्ते के बाद हम लोग फिर से ब्लॉग कर रहे हैं। तो आज वीकेंड है, फ्राइडे है, तो हम लोग आज थोड़ा बाहर निकले हैं एंड डोंट थिंक कि मैं मास्क नहीं पहनी हूँ। मेरे पास मास्क है और ग्लव्स भी हैं एंड हैंड सैनिटाइज़र भी है। मैंने जस्ट ब्लॉग करने के लिए और अभी गाड़ी में ही हूँ, इसलिए मैंने अभी मास्क नहीं पहनी हूँ एंड जब बाहर जाऊँगी तब तो डेफिनेटली पहनूँगी एंड ग्लव्स भी पहनूँगी और सैनिटाइज़र भी है और वो तो पहन के ही चला रहा है। सो हाय बोल दो बहुत दिन बाद। सो आप लोग कैसे हैं? हम लोग को बोलना, हम लोग तो अभी ठीक ही है, अभी ये जो न्यू नॉर्मल है इसके साथ सबको हम लोग को चलना पड़ रहा है, तो ऐसे ही सब कुछ चल रहा है। आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं थोड़ा बता दो। हाफ डेजर्ट रोड हम लोग आज जा रहे हैं, हाफ डेजर्ट रोड। मुझे पता नहीं, मैं पहले कभी नहीं गई हूँ, आज फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो मैं भी फर्स्ट टाइम देखूँगी, आप लोगों को भी दिखाऊँगी, तो देखते रहिए हम लोग के साथ। और क्या बताओ, अभी तो और कुछ नहीं है, सो ठीक है, तय हम लोग के साथ। तो हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया है कि दुबई में बहुत सारा प्लेसेस है, वो सब हम लोग जब घूमेंगे तो उसका भी वीडियो करने के लिए, वो सब जगह देखने के दिखाने के लिए बोला है। तो अगर आप लोग अभी किसी का कोई रिक्वेस्ट है, कोई स्पेसिफिक प्लेस है, तो अब हम लोग को बोल सकते हैं। इफ पॉसिबल तो हम लोग भी घूमेंगे एंड हम लोग के साथ शेयर भी करेंगे, तो अच्छा होगा ये। और हम लोग बहुत दिन से जब ब्लॉग नहीं कर किया, तो एक चीज़ हम आप लोगों के साथ हम लोग शेयर नहीं किया, वो हम लोग के घर में एक नया मेहमान आया है अभी, थ्री वीक्स हुआ है कि हम लोगों ने एक फ़िश लाया है, गोल्ड फिश। सो पहले तो हम लोग इनिशियली दो ही लाए थे, लेकिन पता नहीं वो जो फिश बोल रहता है उसमें हम लोग रखे थे उसको, बहुत धूप है तो उसमें हम लोग रखे थे, तो पता नहीं दोनों में से एक मर गया है, पता नहीं शायद ऑक्सीजन का कुछ कमी हो रहा था। फिर अभी एक है, तो मैंने उन दोनों का नाम डोलू और मोलू रखे थे, तो एक तो मर गया, अब मोलू अभी तक जिंदा है, तो वो अभी तक ठीक ही है। वो चीज़ आप लोग के साथ अभी तक शेयर नहीं किया, तो आज हम लोग घर जाके आप लोगों को दिखाऊंगी, उसके साथ इंट्रोड्यूस कराऊंगी। बहुत ही प्यारा सा है और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अभी जो जगह आप लोगों को दिखाया, हम लोग किस रास्ते से जा रहे हैं, इधर बहुत ग्रीनरीज है और बहुत सारा नर्सरीज भी है, तो इसी जगह पे तो हम लोग इसी जगह से प्लांट खरीदा था, तो उसमें से एक का हालत बहुत ही ख़राब है और इधर का धूप इतना ज़्यादा है ना, इतना तेज़ होता है कि मतलब पता नहीं, इसी चक्कर में शायद उस पेड़ का हालत बहुत, मतलब अभी तीन चार पत्ता ही बाकी है शायद ना, एक का बाकी, दो एक एलोवेरा है और एक क्या है उसका नाम मुझे याद नहीं है, तो वो ठीक है, लेकिन और एक मैंने खरीदी थी उसका हालत अभी बहुत ही बुरा है। फिर भी हम लोग टेक केयर कर रहे हैं, देखते हैं वो बचता है या नहीं। बुरा लगता है ना, मतलब इतना बड़ा एक बहुत
बड़ा था, मतलब वो जो उसको क्या कहते हैं, फ्लावर टब जो रहता है, पॉट जो रहता है, वो बहुत बड़ा वाला था, मतलब घर रूम में रखने के लिए भी, लेकिन बड़ा ही था बहुत। लेकिन अब क्या करें, देखते हैं, पानी वानी दे रहे और फर्टिलाइज़र भी दे रहे, देखते हैं अब उसका क्या होता है। तो हाँ, मैं जो बोल रही थी ना, ये जगह बहुत अच्छा, बहुत ग्रीनरीज है। मुझे तो पहले लगा था, जब मैं मतलब मुझे उतना आइडिया नहीं था दुबई के बारे में, तो मुझे लगता था पूरा एकदम डेजर्ट एरिया है, सब जगह बालू बालू है, कोई पेड़ पत्ता कुछ भी नहीं है। लेकिन इधर आके बहुत जगह में देखा, इतना अच्छे से, मतलब वेल डेकोरेटेड है, वेल मेंटेन्ड है, बहुत सारा पेड़ है एंड फ्लावर्स है, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो उस जगह पे घूमने के लिए भी अच्छा लगता है। तो आज तो हम लोग जा रहे हैं, तो डेजर्ट ही है ना, डेजर्ट के बीच में ही, डेजर्ट के बीच में रास्ता है, उसमें जा रहे हैं। तो उसमें तो उतना ग्रीनरीज नहीं मिलेगा, लेकिन अगर किसी और दिन किसी ग्रीनरीज जगह पे हम लोग जाएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखते रहिए हम लोग का ब्लॉग। डेजर्ट के अंदर हम लोग घुस गए हैं और मुझे तो डर लग रहा है कि गाड़ी से उतरने के बाद कितना ज़्यादा गर्मी फील होगा। हाँ, बहुत भयानक वाला धूप का तेज धूप है, उसका तेज भी तो मतलब भयंकर है। मुझे डर लग रहा है कि बाहर जाऊंगी तो एकदम, और ऊपर से मैं ब्लैक पहन के आई हूँ, मैं तो और ज़्यादा महान हूँ तो पता नहीं आज क्या होगा फिर भी पूरा वीक काम करने के बाद तो एक दिन घूमना बनता ही है, मूड रिफ्रेश करने के लिए, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक काम करने के लिए थोड़ा मतलब एनर्जी नहीं मिलता है। तो इसीलिए जितना भी धूप हो, जो भी हो, घूमना तो होगा ही ना और इधर तो ऐसा गर्मी रहेगा ही, सबको इनको पता ही है। ऐसे हम लोग को एक्सप्लोर करना होगा। एज आई टोल्ड यू कि मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, तो अभी थोड़ा थोड़ा करने का कोशिश कर रही हूँ। और ये सब जगह में तो उतना इंसान भी नहीं रहता है, तो उतना मतलब इन्फेक्टेड होने का भी चांस नहीं होता है, तो ये सब प्लेस अभी घूमने के लिए आई गेस ये सब अच्छा है, राइट? अकेले के हाँ अभी अच्छा है, तो ज़्यादा क्राउडेड प्लेस अभी अवॉइड करना ठीक ही है, मतलब नहीं जाओगे तो बच सकते हो। अब पता नहीं कहाँ कौन है। तो हम लोग अभी पहुंच गया है, तो हम लोग अभी गाड़ी से उतर के थोड़ा घूमेंगे। ऐसे तो घूमने के लिए ऐसा कुछ हाँ, नहीं है अभी तक, रंबल नहीं मिला रास्ते में, so हाँ, we are finding it. Yeah. जिस दिन ज्यादा थोड़ा हवा चलता है उस दिन अच्छे से फील हो, मतलब दिखता है ना, आज भी होगा बट वी नीड टू फाइंड इट। और हम लोग की एक जो गाड़ी है ना, उसके सामने एक बड़ा वाला पेड़ है, चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। हम लोग अभी इस पेड़ के सामने हैं और धूप है, लेकिन अच्छा एक हवा भी चल रहा है, तो अच्छा लग रहा है थोड़ा। देखिए कितना बड़ा पेड़ है ये, कितना अच्छा लग रहा है कि इतना डेजर्ट के बीच में से। हाँ, और ये कौन सा है, आकंदो। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो वो तो मुझे पता नहीं, बंगाली में आकंदो कहते हैं। तो अभी हम लोग फिर से रंबल के दिशा में जाएंगे, तो लेट्स सी। चलिए कितना गर्म है ये, अभी गर्म नहीं है, सॉ एंड सॉफ्ट है, और आप देख सकते हो गर्म नहीं है। क्यों, अभी सनसेट होने का टाइम हो रहा है, उतना गर्म नहीं होगा।
मतलब आप जितना नीचे खोदोगे उतना ज्यादा गर्म मिलेगा। और बहुत ज्यादा सॉफ्ट है ना, मतलब ये सॉफ्ट सैंड है, इसमें अगर आप टू व्हील लेके आएंगे तो आपका गाड़ी का टायर फंसेगा ही फंसेगा। यू कैन नॉट एस्केप इट। ओके, अब मेरा भी थोड़ा अच्छा कुछ पिक क्लिक कर दो। ठीक है, तो मेनली हम लोग इधर फोटो क्लिक करते आए। अभी ये जो सामने है ये सब रंबल है ना, ये जो रास्ता ब्लॉक कर दिया है। एगो एगो हमें आसची, तुम एगो तुम एगो हमें आसची। देख ही सकते हो कि हम लोग अभी मतलब रंबल के ऊपर से ही जा रहे हैं, ऐसे उसको हटा के तो नहीं, मतलब साइड से जा रहे हैं। ये रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया है। गाड़ी स्कीड भी हो रहा है। स्कीड भी होता है। वेरी गुड। लेकिन आज थोड़ा कम मिला है ना रंबल। ऐसा मिलेगा, अभी मिलता रहेगा। मैं जब फोटो या कोई वीडियो देखा था उसमें बहुत सारा था, लेकिन आज उतना नहीं दिखाई दे रहा है। Now you can see when the car is going, yeah. There is so much of rumble. Okay. See, we will go straight. Okay, they are taking right, so I will also take right. Okay, follow them. अभी इधर थोड़ा थोड़ा मिल रहा है ना रंबल। yes. उस साइड पे हम लोग पहले जिस साइड पे गए थे उसमें उतना ज्यादा नहीं मिला है, अभी तो इधर थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। Now we will try another one. Okay. Whoa. Yes, car is skidding. Yes. अच्छा है ना? This is fun. Yeah. देखने के लिए मिल सकता है। हाँ, इधर आप लोगों को बहुत सारा देखने के लिए मिल रहा है ना, बहुत सारा रंबल है। वाओ, इसमें हम लोगों को पहले आना चाहिए था इस रूम में। भी पता नहीं था। अभी सारे यहाँ पे क्लियर, देखो इधर से गए थे। हाँ, एक भी कैमल नहीं मिला है देखने के लिए अभी तक। पर उठ जाने का ये है। इधर मिलता है ना देखने के लिए? देखिए कैसे ये फैला हुआ है। So guys, अभी अंकल को बात करने के लिए टाइम मिला है। So lot of drives, हमने बहुत ड्राइव किया, almost 10-15 किलोमीटर्स यहाँ पे ड्राइव किया है। यहाँ पे ग्रिड बना हुआ है, एसफल्ट का ही ग्रिड है, बट उसके अंदर में रंबल है, उसको अवॉइड करके आपको चलाने का है। तो यही था ड्राइव किया। आप कोई भी गाड़ी लेके आ सकते हैं, ऐसा कि नहीं कि 4x4 ही लाना पड़ेगा। हम लोगों का सिडान कार भी लेके हम लोग आए हैं, तो आज ऐसे ही यहाँ पे ऐसे ही लोग एंजॉय करते हैं। अगर आपको अंदर जाना है तो देन यू नीड द 4-wheel ड्राइव। और सबसे अच्छा है 4:30-5 बजे आने से ज़्यादा बेहतर है। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे उतना धूप भी नहीं रहता है एंड यू कैन एंजॉय इट लॉट। बहुत सुंदर सा एक हवा भी चल रहा है अभी। हाँ, ब्रीज भी चल रहा है, सनसेट भी होने आ रहा है। सो अच्छा लग रहा है अभी। और आप चाहिए, आपको चाहिए मतलब पिकनिक विकनिक करना चाहते हो तो आप इधर कर सकते हैं। पिकनिक नहीं कर सकते, आप बीबीक्यू वगैरह इधर कर सकते हो। मतलब छोटा स्नैक्स वगैरह, ऐसा
छोटा मोटा पार्टी कर सकते हैं। और अभी हम लोग घर वापस जा रहे हैं एंड वी विल इंट्रोड्यूस, जाके तो मोलू के साथ जरूर इंट्रोड्यूस कराऊंगी क्योंकि वो तो मेरे हाथ में अभी पसीना जा रहा है, बहुत पसीना हो गया, जाके नहाना भी होगा अच्छे से। यस, और हम लोग अभी मास्क नहीं पहने क्योंकि अभी आसपास ओपन एरिया में, हाँ, तो अभी हम लोग जब भी गाड़ी में चढ़ेंगे तो हम लोग मास्क लगा लेंगे। हाँ, और आप लोग जो यूएई में रहते हैं या दुबई के आसपास में या दुबई में ये प्लेस अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया तो ज़रूर एक्सप्लोर करना, बहुत ही अच्छा है, मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं है ना, सिटी से हाफ एन आवर ड्राइव तो आप आ सकते हो इजीली, बहुत ही अच्छा जगह है घूमने के लिए शाम की टाइम। ठीक है, सो ठीक है, आप नेक्स्ट कौन सा जगह देखना चाहते हैं हम लोग को ज़रूर बताना, हम लोग ट्राई करेंगे आप लोगों को लेके जाने के लिए। अभी तो हम लोग घर अभी वापस जाएंगे, अब बहुत मज़ा किया, बहुत फोटोज़ भी किया ओके, और हम लोग जंप भी किया और हाँ वो तो आपको व्लॉग में मिल ही जाएगा, मिल जाएगा आपको। ओके, सो सी यू, अभी के लिए बाय, मतलब इधर बाय, इस जगह पे घर जाके फिर बात करते हैं। ओके, तो अभी हम लोग घर आ चुके हैं, जस्ट आप ही पहुंचे हैं, तो हम लोग बोले थे कि आप लोगों को मोलू के साथ इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो चलिए दिखाते हैं मोलू को। मोलू से हाय, मोलू, अभी हम लोग मोलू को खाना दिया है, नॉर्मली ये इसको हम लोग 6 बजे खाना खिलाते हैं दिन में एक बार, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया है, अभी खाना खा रही है। तो फिर आज आशा करते हैं कि आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा, और हम लोग अभी लौटे हैं, मोलू को खाने पे दिया है, तो अभी हम लोग थोड़ा फ्रेशन अप होएंगे, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा, और उतने टाइम के लिए बाय बाय।